भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह जोदा ने अपने चुनाव प्रचार को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में जनसंपर्क किया, जहां ग्रामीणों के द्वारा जितेंद्र सिंह जोदा को एक तराजू पर बैठा कर गुड़ से उनको तोला गया। जोरदार ग्रामीणों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। वहीं जितेंद्र सिंह जोदा ने एक सभा को भी संबोधित किया। उस सभा में जानिए क्या कहा जितेंद्र सिंह जोदा ने। को नमन करता हूँ, श्री महबूब खान जी को नमन करता हूँ। साथियों, आपने चार घंटे से हमारा इंतजार किया। सभी ग्रामों की, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों और सबसे इस बात को लेकर मैं माफी करता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यह जनसंपर्क का कार्यक्रम जो पिछले चार पांच दिन से चल रहा है, इस तरह का जनता का सैलाब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उमड़ रहा है। हम तो 9 बजे घर से निकल के आधा घंटा देरी से रहे, लेकिन बड़िया, जेवरियावास, बड़ा, पूर्णी, सब गांव में अपार जनसंपर्क की तरफ से उमड़ रहा है, स्वागत करता है, अभिनंदन कर रहा है। उस हिसाब से लग रहा है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और रीजवाना में कमल का फूल खिलेगा, ऐसा हमने सोचा। हमारे यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, रीजवाना से भी कांग्रेस के विधायक बना है और शायद वो आपके गांव में आके चले गए, मुझे नहीं पता आएंगे कब आएंगे। बढ़िया थाने एक बात को एमएलए साहब जरूर पूछ रहे हैं। एमएलए साहब, भारत को संविधान देखा पढ़ाया बाबा भीमराव जी अम्बेडकर के संविधान ने व्यवस्था करी, तो जगह लोकसेवक ने आपको चुन भेजा, वो लोकसेवक आपको 5 साल की जनता की सेवा करवा को काम करे थे, 5 साल बाद में तो ठाकुर अधिकार है मुझे पूछ करोगे आपसे 5 साल तक कहीं गिरा मेरे साथ, और मैं को भी दायित्व मिले कि भाई आपको रिपोर्ट कर देश जनता के सामने डाले कि मैं 5 साल में आप लोगों के लिए हो। बात आता ही पूछ रही बात से कटीज बनाने थे 5 साल में युवाओं के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, अल्पसंख्यक साथियों के साथ काम करे, कहीं से किसानों के साथ देखा मुंह खराब हो गया, देखिए बाजरे की फसल खराब होगी इंश्योरेंस का पैसा ले पाते हैं तो लोग भगियान ले हो गया, जब केवल मजाक उठाई के मुंह पर भीतर राय की जरा क्या मुंह नजर नजर से कर रहे थे, तो हमारे किसान को इंश्योरेंस का पैसा क्यों नहीं मिला, मुआवजे का पैसा क्यों नहीं मिला। आपने शमशानों की जमीन लो चाहे कब्रिस्तानियों को जमीन हो चाहे सरकारी जमीन हो, कोई भी जमीन ऐसी नहीं है छुपी रही जीवाना में, चुन चुन के आप लोगों ने कब्जे किए जमीनों पर, भूमाफियों से सांठ गांठ करके आपने जमीनों पर कब्जे करने का काम किया। आपने शराब माफिया बन पाए, आपने बजरी माफिया बन पाए और किसी भी विभाग में चले जाओ बिना पैसे काम दिए नहीं, बिना पैसे किए काम नहीं होता। आपने जीवाना को भ्रष्टाचार की फेंक में चलाने का काम, जनता 5 साल बाद आपके हिसाब मांगती है। आपने डीजवाना के मामले में सरकार को बीमार बनाया, आपने डीजवाना के गांवों में घूमने वाली पीएससी सीएससी जैसी चिकित्सा सुविधाएं देनी चाहिए थी, उनको रोकने का काम किया। अरे डीजवाना के पानी की स्कीम में 2538 करोड़ इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी डीजवाना की जनता के लिए अगर घर घर में पानी नल से पहुंचने चाहिए था, उसको रोकने का काम आपने किया। और वो काम क्या किया मैं आपको बताता हूं, एलएनटी कंपनी के पास टेंडर का 25% की राशि जो आसपास की गाड़ियों में जानी थी, पाइपलाइन डलनी थी, हर घर को पानी लेना था, उस 25% की राशि में एलएनटी कंपनी ने काम नहीं करके यहां के राजनेताओं से और अधिकारियों से सांठ गांठ करके एनओसी लेकर कंपनियां से चली गई और आपका सात काम अधूरा पड़ा, जिसको पानी पिलाने का संकल्प आज में नरेंद्र मोदी जी ने लिया, जिसको घर घर में पानी पिलाने का संकल्प देश के केंद्रीय मंत्री रविंद्र सिंह ने लिया, उसको गति को रोकने का काम अगर किसी ने किया तो जीतवाने के विधायक ने किया। इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी की टीम आपको इस बात की गारंटी दिलाती है कि हम जीतवाना का विकास करेंगे,
हम निर्माणा को विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। हम निर्माणा में भूमाफिया नहीं पनपने देंगे, शराब माफिया नहीं पनपते देंगे। इस बात की हम गारंटी आपके सामने, और देखिए पालक में महिला के साथ किस तरह की घटना हुई। विधायक जी का एक बयान तक नहीं है तो आज तक न्याय के लिए चिल्ला रही, उसी आत्मा भी न्याय के लिए चिल्ला रही। 5 दिन तक वो एसएमएस के अस्पताल में रही, 3 दिन तक बीमारा में धरना दिया, हम लोगों ने समझौता किया। लेकिन आज की विधायक महोदय आपने अधिकारियों के पास जाकर उस विश्वास को दबाने का काम किया। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं उस समझौते में कलेक्टर साहब और एसपी साहब के साइन है, उन्होंने इस बात को माना था कि हमें यदि क्राइम लेवल से जांच कराएंगे। आने दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 महीने की बात है, उन अपराधियों को भी हम जेल के सिकंदर में पीछे डालेंगे। मुझे शर्म आती है, 10-10 अधिकारी जिंदगानों में ट्रेप हुए, इतना भ्रष्टाचार की भेंट चलाने वाले ये लोग हैं। अस्पताल का पीएमओ ट्रेप, वीडियो ट्रेप, डॉक्टर ट्रेप, अरे इस जिंदगानों को बना क्या दिया आपने? एक नेता क्यों रहेंगे आपके पास? 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी का मान खाकर आप लोगों को गुमराह करने आएंगे, विकास का बच्चा बनकर। आप जवाब में देना, हमने 20 साल आपको वोट दिए, उस पार्टी को आप छोड़ के क्यों चले गए? या तो पार्टी का साथ देते, खड़े रहते साथ, और नहीं आप बाहर खड़े हो तो बाहर ही हो। मुझे विश्वास नहीं मिले पास दोनों नेताओं से बात आपको करनी है। पूछ रहे साथियों, अपना मत लोकतंत्र में जो व्यक्ति पूछता नहीं है, दबता है, वो ठीक नहीं रहता, उसके नतीजे ठीक नहीं होते हैं। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कमर का फूल आप खिला के रहेंगे, तो आपके सुरक्षा की, मान सम्मान की सभी तरह की गारंटी लेंगे, नहीं पनपने देंगे किस तरह के माफिया पर अपराधी बने जिंदवाड़ा की। इसलिए आपके सुरक्षा में आप 4 घंटे तक आपने इंतजार किया, उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी है। और पिछले 5 साल आप सबके बीच में रहे, आना जाना इस कुंडली गांव में कम से कम 100 बार 200 बार आप लोगों के शुद्ध रूप में आया, इसलिए मेरा हक और अधिकार भी बनता है कि आप मुझे प्यार समर्थन अपना दें। और इनके तो क्या फर्क पड़ता, 2-2 बार 3-3 बार जीते हैं, 2 बार इनके पिताजी जीते हैं, ये 2-2 बार मंत्री रहे हैं। लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और हम चाहते हैं कि सरकार में हमारा प्रतिनिधित्व हो, हम चाहते हैं कि जिंदवाड़ा के लोगों की सेवा हो, हम चाहते हैं कि जिंदवाड़ा का विकास हो। इसके लिए आपको इस कलम में शरीक होने की जरूरत है साथियों, और जिंदवाड़ा के विकास के लिए हम आपने आपसे निवेदन करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 25 तारीख को अधिक से अधिक मतदान करके कमर का खून खिलाएंगे, तो जिंदवाड़ा को हम नए जिंदवाड़ा की बात लिखने जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।